Hare Krishna and good morning all of you. Students, the next chapter of English grammar that will be asked in the annual examination is 14th chapter of English grammar and its name is punctuation. Okay, punctuation chapter, ये भी आपको exam में आएगा. अब इस punctuation chapter में आपको apostrophe के बारे में से related exercise है. ठीक है, तो जो main exercise मैं exam में आपसे पूछने वाली हूँ उसको हम इस video में discuss करेंगे. Okay? सम पंक्चुएशन मार्क्स. ओके, एपोस्ट्रॉफे क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे. एन एपोस्ट्रॉफे मीन्स ऊपर इस तरह से कॉमा लगा होता है. इज यूज विद एन एस टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. एपोस्ट्रॉफे का यूज तब किया जाता है और एपोस्ट्रॉफे के बाद एस लगा दिया जाता है. उसको लगाने से ये समझ में आता है कि वो चीज़ किसी को बिलोंग कर रही है, मतलब उसकी है ये चीज़. ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. विथ सिंगुलर नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स वी प्लेस द एपोस्ट्रॉफे बिफोर एस. ठीक है, सिंगुलर जो सिंगुलर नाउन और कलेक्टिव नाउन होते हैं उनमें जो एपोस्ट्रॉफे होता है वो एस के पहले लगाया जाता है. देखिए, जैसे ये द टेल ऑफ द कैट, इसका मतलब है केट, कैट की टेल. ठीक है, अब हमको इसको एपोस्ट्रॉफे, ये तो पूरा एक इस तरह से लिखा, अब हमको इसको एपोस्ट्रॉफे के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, द कैट्स टेल. तो इसका मतलब हो गया कैट की टेल. कैट एपोस्ट्रॉफे एस लगने से हो गया कैट की टेल. ठीक है, सेकंड देखेंगे, द कैप्टन ऑफ द क्रू, क्रू का कैप्टन. अब यहां पर क्रू एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, शिप पर जो भी लोग होते हैं उनको क्रू मेंबर्स बोला जाता है. ठीक है, तो क्रू एक कलेक्टिव नाउन है. तो अभी हमने यहां पर पढ़ा कि कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है, मतलब यहां पर एक सिंगुलर कैट एक सिंगुलर नाउन था, यहां पर सिंगुलर नाउन में और कलेक्टिव नाउन में एस के पहले एपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है. जैसे हमको बोलना है द कैप्टन ऑफ द क्रू, इसका मतलब हुआ क्रू का कैप्टन. ठीक है, तो अब हमको एपोस्ट्रोफे के फॉर्म में लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे, द क्रूज कैप्टन, क्रू का कैप्टन. मीनिंग इसका भी वही निकला जो इसका मीनिंग है, लेकिन इसको ये पूरा ऑफ द करके लिखा है. और जब हम क्रू एपोस्ट्रोफे एस कर देते हैं ना, तो इसका मतलब इसमें ऑफ जुड़ गया, मतलब क्रू का कैप्टन. ठीक है, उसके बाद वी ऑल्सो यूज एन एपोस्ट्रोफे विद एन एस टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए भी एपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है. जैसे द स्पीच गिवन बाय द मिनिस्टर, मिनिस्टर के द्वारा दी गई स्पीच, तो हम इसको लिखेंगे, मतलब मिनिस्टर और स्पीच के बीच में हम रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा द मिनिस्टर्स स्पीच, मिनिस्टर की स्पीच. ठीक है, तो मतलब एपोस्ट्रोफे एस का मतलब होता है कि किसी को बिलोंग कर रही है वो, उसकी है वो चीज. ठीक है, तो इस तरह से हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं. अब यहां पर हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग एपोस्ट्रोफे एस. आपको ये फ्रेजेस हैं जिसको हमको एपोस्ट्रोफे एस के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, मीनिंग यहां पर भी वही है और यहां पर भी वही है, लेकिन जब हम एपोस्ट्रोफे एस कर देते हैं तो ये हमको ऑफ मतलब होता है का, तो एपोस्ट्रोफे एस का मतलब भी होता है का, की, के, ये उसकी है, उसके है, मतलब उसको बिलोंग कर रही है, ये मीनिंग निकल आता है उसका. ठीक है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट ये फ्रेज देखेंगे, द हेयर स्टाइल ऑफ द फुटबॉलर, इसका मतलब क्या निकला, फुटबॉलर की हेयर स्टाइल. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, द फुटबॉलर्स, फुटबॉलर की हेयर स्टाइल, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, फुटबॉलर एपोस्ट्रोफे एस हेयर स्टाइल. ओके, द बाइसिकल ओन्ड बाय मारिया, बाइसिकल जो मारिया ने ली, तो हम क्या लिख सकते हैं, मारियास बाइसिकल, मारिया की बाइसिकल, जो बाइसिकल मारिया ने खरीदी है वो मारिया की हो गई ना वो बाइसिकल, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मारियास बाइसिकल. ओके, थर्ड है द वर्क ऑफ अ डे, एक दिन का काम, तो एक के लिए ए आ गया, अ डेज डे का, डे एपोस्ट्रोफे एस का मतलब क्या, डे का काम, एक दिन का काम. ठीक है, फोर्थ द रूम दैट बिलोंग्स टू मोहन, वो रूम जो मोहन का है या मोहन को बिलोंग करता है, मोहन को बिलोंग करता है मतलब मोहन का है वो रूम, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, मोहन्स रूम, मोहन का रूम, मोहन का रूम ही तो मोहन को बिलोंग करेगा ना, मोहन्स रूम, मोहन एपोस्ट्रोफे एस रूम. ओके, द हैंडल ऑफ द सूटकेस, सूटकेस का हैंडल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, द सूटकेसेस हैंडल, सूटकेस एपोस्ट्रोफे एस हैंडल, सूटकेस का हैंडल. क्लियर, अब हम कुछ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. समटाइम्स वी राइट शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द टू वर्ड्स, ऑफ टू वर्ड्स यूजिंग एन एपोस्ट्रोफे. कभी कभी हम टू वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपोस्ट्रोफे का यूज करके, जिसे आप यहां पर देख रहे होंगे.
ठीक है, यहाँ पर आई और एम को हमने अपोस्ट्रॉफी लगाकर उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, इनको कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। जब हम टू वर्ड्स को अपोस्ट्रॉफी लगाकर लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, उसको शॉर्ट करके लिख देना। ठीक है, वी ओमिट वन और मोर लेटर्स फ्रॉम द टू वर्ड्स, ये जो टू वर्ड्स होते हैं उनमें से हम ओमिट मतलब छोड़ देते हैं, ओमिट मतलब छोड़ देते हैं, हम इनमें से एक या दो लेटर छोड़ देते हैं इन दोनों वर्ड्स में से, और उसको एंड पुट एन अपोस्ट्रॉफी इन प्लेस ऑफ द ओमिटेड लेटर्स, और जो लेटर हमने इसमें से हटाया है उसकी जगह अपोस्ट्रॉफी आ जाता है। ठीक है, अब हम इनको इन वर्ड्स के थ्रू समझेंगे। आई एम, आई एंड एम, ये आई और एम इन टू वर्ड्स से मिलकर बना है, तो हमने इसमें ए को रिमूव, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा आई एम। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई अपोस्ट्रॉफी एम, इसमें ए को रिमूव करा और ए की जगह अपोस्ट्रॉफी लगा दी, आई अपोस्ट्रॉफी एम। नेक्स्ट सेकेंड है यू आर, यू एंड आर टू वर्ड्स है, सो यहाँ पर ए हट जाएगा यहाँ से, एंड यू अपोस्ट्रॉफी आर ई, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया यू आर का। ठीक है, शी इज, शी इज में आई हट जाता है, शी अपोस्ट्रॉफी एस, इसको शी इज बोलते हैं, ई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है, आई हैव, आई एंड हैव, सो आई में एच और ए हट जाता है और आई अपोस्ट्रॉफी वी ई, इसको भी आई हैव ही पढ़ते हैं। ठीक है, कभी कभी जब आप देखिएगा, कभी जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना और आगे की क्लासेस में अभी भी कभी आप पढ़ते होंगे तो देखिएगा आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म आएंगे, तब आप समझिएगा कि वो किसका है शॉर्ट फॉर्म, उसका वो क्या वर्ड है वहाँ पर। ठीक है, ही विल का शॉर्ट फॉर्म होता है ही अपोस्ट्रॉफी डबल एल, इसमें डब्ल्यू आई हट गया। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, डब्ल्यू ओ एन टी, थोड़ा डिफरेंट होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, डब्ल्यू ओ एन अपोस्ट्रॉफी टी। हैव नॉट का हैवंट, इसका प्रोनंसिएशन आप देख रहे होंगे, हैवंट, एच ए वी ई एन अपोस्ट्रॉफी टी, हैवंट। आई वुड का शॉर्ट फॉर्म होता है आई अपोस्ट्रॉफी डी, सिंपली यही होता है बस। ठीक है, तो अब आप कभी भी ये लिखा देखे तो समझ जाइए आई वुड लिखा है वहां पर। ओके, अब है राइट दीज एज वन वर्ड यूजिंग एन अपोस्ट्रॉफी, अब हमको इनको अपोस्ट्रॉफी के फॉर्म में लिखना है, वी आर, तो वी अपोस्ट्रॉफी आर ई, हु इज हु अपोस्ट्रॉफी एस, डू नॉट, डोंट, इसको हम डोंट पढ़ते हैं, डी ओ एन अपोस्ट्रॉफी टी। ओके, दे आर का शॉर्ट फॉर्म होता है दे अपोस्ट्रॉफी आर ई। नेक्स्ट वॉज नॉट, इसको पढ़ते हैं वॉजंट, वॉज एन अपोस्ट्रॉफी टी, डज नॉट, डजंट, डी ओ ई एस एन अपोस्ट्रॉफी टी, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमा, कॉमा कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, वी यूज अ कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट, कोई भी लिस्ट में अगर हम वर्ड्स लिख रहे हैं, एक लाइन से लिख रहे हैं मतलब हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं, तो उनके बीच में कॉमा लगाते हैं ना सेपरेट करने के लिए। वी वेयर, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वी वेयर स्वेटर्स, मफलर्स, सॉक्स एंड ग्लव्स इन विंटर, हम विंटर में स्वेटर, मफलर, सॉक्स एंड ग्लव्स पहनते हैं। तो हमने देखिए स्वेटर्स, मफलर्स और सॉक्स, इनके बीच में कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, तो कॉमा का यूज एक तो इस तरह से किया जाता है। दूसरा है वी यूज अ कॉमा टू शो द शो अ पॉज और अ ब्रेक बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, मतलब अगर सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं तो उनके बीच में अगर हमको थोड़ा सा कहीं पर बीच में रुकना पड़ता है तो वहां रुकने के लिए भी कॉमा का यूज किया जाता है। शॉर्ट पॉज मतलब थोड़ी सी देर के लिए अगर रुकना होता है तो वहां पर थोड़ी सी देर रुकने के लिए किस पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है, कॉमा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई नीड अ नोटबुक, मेरे को एक नोटबुक चाहिए, एक रूलर चाहिए एंड अ शार्प पेंसिल। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखें कि आई शैल बाय द थिंग्स, मैं थिंग्स चीजें खरीदूंगा, टेक देम होम, उनको घर ले जाऊंगा एंड फिनिश द प्रोजेक्ट, और अपने प्रोजेक्ट को खत्म करूंगा। ठीक है, तो जब हमको थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बोलना पड़ रहा है यहाँ पर कि आई शैल बाय द थिंग्स, मैं चीजें खरीदूंगा, टेक देम होम, उनको घर ले जाऊंगा एंड फिनिश द प्रोजेक्ट, और अपने प्रोजेक्ट पूरा करूंगा, तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ा, तो यहाँ पर कॉमा का से रुकने के लिए कॉमा का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर वी यूज अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड सच एज यस और नो, जब भी सेंटेंस में यस और नो आते हैं तो उनके बाद में भी कॉमा का यूज किया जाता है, जैसे यस आई विल वेट फॉर योर कॉल, हाँ मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ठीक है, और अगर नो भी होता तो नो के बाद में भी कॉमा लगता है। ओके, वी ऑल्सो यूज अ कॉमा टू सेपरेट द नेम ऑफ अ पर्सन बींग स्पोकन टू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, कॉमा का यूज उस कंडीशन में भी किया जाता है कि जब अगर किसी पर्सन को हम बोल रहे हैं सामने, जैसे मान लो कोई पर्सन किसी राघव नाम के लड़के को बोल रहा है, राघव आई विल कॉल यू टुडे, तो राघव के जिसको भी हम बोल रहे हैं ना, तो हम उसके बाद में कॉमा लगाएंगे लिखते समय, बोलते समय तो नहीं होगा, बोलते समय हम थोड़ा सा रुकते हैं, मतलब राघव आई विल कॉल यू टुडे या आई विल कॉल यू टुमारो, ऐसे है ना, तो जिसके जिसको भी हम बोल रहे हैं तो उसके बाद में कॉमा का यूज किया जाता है। ठीक है,
अब इससे रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज करेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। आप सब लोगों को पता है पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं सेंटेंस में, कि जब भी हमको सेंटेंस में कैपिटल लेटर में एक तो लिखा जाता है, सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है, एक तो ये बात आप लोगों को पता होगी, और अगर सेंटेंसेस के बीच में कोई भी प्रॉपर नाउन्स आ रहे हैं तो उनका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया पंक्चुएशन, पंक्चुएट करना सेंटेंस को, मतलब उसको प्रॉपर वे में लिखना। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग लेटर स्मॉल कर दिया, प्रॉपर नाउन स्मॉल लेटर में लिख दिया, वो गलत होता है लिखना। ठीक है, एक तो पंक्चुएशन करना होता है कि सेंटेंस जहां पर कैपिटल लेटर लिखा जाना चाहिए सेंटेंस में, वहां पर लेटर को कैपिटल लिखना चाहिए। ठीक है, सेकंड है कॉमा, कॉमा का यूज, कॉमा भी एक पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड में लगाए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क अगर क्वेश्चन पूरा पूछा जा रहा है सेंटेंस में तो एट द एंड क्वेश्चन मार्क इज पुट, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो एंड में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क अगर एकदम से कोई आश्चर्य होता है हमको अंदर से, और या दुख होता है, एंगर होता है, कोई भी खुशी होती है अंदर से, तो इस तरह के सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, जैसे मैंने ऐसे बोला तो हम वाओ के बाद कॉमा लगाएंगे, हमको आश्चर्य हुआ एकदम से, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। ठीक है, दूसरा मैंने बोला ओ गॉड ही इज नो मोर, तो यहाँ पर हमको एकदम से दुख हुआ, ओ गॉड ही इज नो मोर, ओ गॉड के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, ही इज नो मोर। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमको किसी पे गुस्सा आ रहा है एकदम से, अचानक से हमको जो फीलिंग आती है ना अंदर से, तो वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला लगता है। और एपोस्ट्रोफी, जो कि अभी हमने देखा एपोस्ट्रोफी का यूज करना। ठीक है, तो इन पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके अलावा और भी होते हैं बट अभी आपको यहाँ पर इतने ही दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें आपको इन सेंटेंसेस को क्या लिखा है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को हमको आपको पंक्चुएट करना है, यूज कैपिटल लेटर्स जहां पर कैपिटल लेटर करने की जरूरत है वहां पर कैपिटल लेटर लिखना है, कॉमा जहां कॉमा लगाने की जरूरत है वहां कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, वेयर एवर नीडेड, जहां जहां पर भी इन सब किसी की भी जरूरत है तो वहां पर ये करके और सेंटेंस को प्रॉपर वे में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, अनुज, अंकिता एंड पूजा एंजॉयड द बैंड्स परफॉर्मेंस, इसका मतलब हुआ अनुज, अंकिता और पूजा ने एंजॉय किया बैंड की परफॉर्मेंस को। तो अब देखिए, अनुज एक प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका ए कैपिटल होगा, अनुज के बाद में अंकिता दूसरा पर्सन का नेम हो गया इसलिए इसके बीच में कॉमा आएगा, फिर अंकिता फिर से प्रॉपर नाउन है तो इसका भी ए कैपिटल होगा, उसके बाद एंड पूजा भी एक प्रॉपर नाउन है इसलिए पूजा का पी भी कैपिटल होगा, एंजॉयड द बैंड की, अब हमने पढ़ा था कि बैंड की करने के लिए हम बैंड एपोस्ट्रोफी एस परफॉर्मेंस, ठीक है, बैंड्स परफॉर्मेंस, और एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा, सेंटेंस एंड होता है तो वहां पर क्या आता है, फुल स्टॉप लगाना मस्ट होता है, इसका अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे तो इसका मतलब है कि सेंटेंस अभी आपका फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा ना ही कोई एक्सक्लेमेशन है इसलिए इसके एंड में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, आई वेंट टू अ कॉन्सर्ट लास्ट इवनिंग, मैं लास्ट इवनिंग एक कॉन्सर्ट में गया था, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट जैसे होते ना सभा जिसको बोलेंगे। ठीक है, सो आई वेंट टू अ कॉन्सर्ट लास्ट इवनिंग, सो आई का आई कैपिटल हो जाएगा, फर्स्ट लेटर आई कैपिटल होगा, आई हमेशा स्टूडेंट्स कैपिटल लिखा जाता है, ये तो स्टार्टिंग लेटर है, और अगर बीच में भी आई आता है ना मैं के लिए जो आई होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है सेंटेंस के बीच में आने पर भी। ठीक है, आई वेंट टू अ कॉन्सर्ट लास्ट इवनिंग एंड एंड में फुल स्टॉप आएगा, इसमें कहीं पर और कोई कॉमा या एपोस्ट्रोफी या क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, सेकेंड थर्ड है द ड्रमर द गिटारिस्ट एंड द सिंगर वर ट्रूली अमेजिंग, अब यहाँ पर देखिए द का टी कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट लेटर सेंटेंस का कैपिटल होता है, द ड्रमर द गिटारिस्ट, उसके बाद हम फिर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, द गिटारिस्ट, तो द का टी कैपिटल करने की जरूरत नहीं है हमको, द गिटारिस्ट एंड द सिंगर एंड द सिंगर वर ट्रूली अमेजिंग, वर ट्रूली अमेजिंग, और बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे ही लिख देंगे, हमको यहाँ पर कोई और अलग से यहाँ पर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, नॉर्मल फुल स्टॉप आएगा सेंटेंस के एंड में। ठीक है, सिर्फ हमको इसमें यहाँ पर कॉमा लगाना था, इसमें सेंटेंस पे क्या पंक्चुएट करना था हमको, एक तो यहाँ पर कैपिटल लेटर करना था और यहाँ पर कॉमा लगाना था हमको, और जब दो वर्ड्स के बीच में एंड आ गया तो फिर वहां पर कॉमा नहीं लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग। फोर सेंटेंस देखेंगे, वी गॉट फ्री शर्ट्स कैप्स एंड पोस्टर्स विद द बैंड्स नेम ऑन देम, वी गॉट हमें मिली फ्री शर्ट्स
शर्ट फ्री में मिली, कैप्स एंड पोस्टर्स विद द बैंड्स नेम ऑन देम, बैंड के नेम के साथ में हमें ये सब चीजें मिली। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, वी का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, वी गॉट फ्री शर्ट्स के बाद कॉमा कैप्स एंड पोस्टर्स विद द बैंड के नेम, बैंड अपोस्ट्रोफी एस, तब बनेगा बैंड्स, बैंड का नेम, बैंड के नेम के साथ में हमें ये सब चीजें फ्री मिली। ठीक है, कि जो भी हमको चीजें मिली उस पर बैंड का नेम लिखा हुआ था। क्लियर हुआ आप लोगों को? और एंड में इसमें क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सुरभि, विल यू कम विद अस। अब आपको इससे क्या लग रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है शायद, तो सुरभि का एस कैपिटल हो जाएगा। और जब हम किसी पर्सन से बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि जब हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं कोई बात, तो उसके बाद कॉमा लगता है, सुरभि विल यू कम विद अस, एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यस आई वुड लव टू, यस के बाद कॉमा आएगा क्योंकि हमने पढ़ा था यस और नो के बाद कॉमा आता है। उसके बाद आई का, या आई कैपिटल हो जाए क्योंकि हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। यस आई वुड लव टू, मैं भी इसको लेना पसंद करूंगा। तो ये हमको एकदम से, हमने हमारी एक फीलिंग हुई, हमारे अंदर से एक फीलिंग आई, तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा एंड में। ठीक है, व्हाट अ ग्रैंड शो इट वॉज, वी प्लान टू गो देयर अगेन, व्हाट अ ग्रैंड शो इट वॉज, व्हाट अ ग्रैंड शो इट वॉज, जब हम ऐसा बोल रहे तो व्हाट अ ग्रैंड शो इट वॉज के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, वी प्लान टू गो देयर अगेन, एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब हमको, आपको ऐसा लगे कि हम एकदम से, कोई हमको अंदर से आश्चर्य हो रहा है, दुख हो रहा है, एकदम से गुस्सा आ रहा है, तो उन सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क आ गया। किसी भी पर्सन को हम बोलते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाया जाता है, येस और नो के बाद कॉमा लगाता है, आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, और प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो भी हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं, उनके फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस को अच्छे से समझ कर आप लोग इस लेसन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज एनुअल एग्जाम सिलेबस में है उसको अच्छे से समझ कर सॉल्व करिएगा। ओके, जिससे आपको एग्जाम में आप बहुत अच्छे से उस चीज को सॉल्व कर पाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।